बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैदे की स्पेशल कुकीज़। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास है मैदा तकरीबन 2 कप। इसके अलावा हमें चाहिए 1 पाव चीनी और आधी प्याली हमारे पास है सूजी, ऑयल है आधी प्याली और ईस्ट और दूध। इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास है छोटी इलायची पाउडर, इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है 1 पाव, आधी प्याली सूजी हमने इसमें ऐड कर दी है, और ये हमारे पास है ऑयल 4-5 चम्मच हमारे पास है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये हमारे पास ईस्ट है 1 चम्मच। अगर आपके पास ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर आधा आधा 4 चम्मच डाल दें इसमें, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से इसे सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे भून देंगे इस तरीके से। एकदम से सादा नहीं डाल देना, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से इसे गूंथ लें। ये हमारा जो मैदा है रेडी हो चुका है। इसे तकरीबन हम घूमने के बाद 1 घंटे तक इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, ये अच्छे से गुड़ चुका है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे, ऐसे ब्रिशिंग कर देंगे ऑयल के ऊपर से ताकि खुश करना हो। करने के बाद इसे 1 घंटे तक हम फ्रीज़र में रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे मैदे को 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसे निकाल कर जहाँ पे आप रोटी वगैरह बेलते हैं उस सरफेस पर आप इसे निकाल लें और एक दफ़ा अच्छे से इसे गूंद लें, ऐसे मिक्स कर लें इस तरीके से। करने के बाद फिर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें और इसका पेड़ा बना लें इस तरीके से। ये हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसे ब्रश से किसी भी चीज़ से आप कर लें, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं आप। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरीके से फैला ली है, और हमारे पास है कटर है, आप किसी भी शेप से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये कोई भी गिलास ले लें और इस तरीके से भी आप बना सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जो भी चीज़ अवेलेबल है उसे आप ये देखें व्यूअर्स, ये भी एक हार्ट शेप का हमारे पास सांचा है, इसे ऐसे रखें। ये स्टार शेप है, हम गिरा के इस तरीके से ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इस तरीके से उठा लिए आराम आराम से। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है,
अब ऑयल में इस तरीके से आराम आराम से डाल दें और हमारी मज़ेदार कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए व्यूवर्स, जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ से पलट लें। दोनों तरफ से हमने ब्राउन करना है इसे। बच्चे बहुत शौक से मज़े से खाते हैं, बच्चों के लिए ये ज़रूर घर में ट्राई करें। ये देखिए व्यूवर्स, ये दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह ये झाड़ लें, स्ट्रेनर की मदद से इसे निकालें। डियर व्यूवर्स, ये देखिए हमारी कुकीज़ जो है दोनों तरफ से ब्राउन हो गई है। अब ये हम अपनी सर्विंग डिश में से निकालते हैं। इस तरीके से ये हमारी कुकीज़ रेडी हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये बच्चों के लिए, बच्चों की फेवरेट हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं बच्चों को ये हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।